ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। जीवित पुत्रिका व्रत 2021 जिसे जूतिया पर्व भी कहते हैं। जीवित पुत्रिका या फिर जीतिया व्रत कब है आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसकी डेट बताने वाले हैं कि जूतिया व्रत जो है 2021 में वो कब है, साथ ही साथ जीवित पुत्रिका का शुभ मुहूर्त क्या है और जीतिया व्रत की संपूर्ण विधि क्या है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। और जीतिया व्रत जो है इतना तो जान लीजिए कि अपने बच्चे के लिए माताएं करती हैं, तो एक बार अपनी माँ के लिए जरूर ही जो मन में पहला शब्द आ रहा हो कमेंट में लिखिए, क्योंकि माँ जो है कितना बड़ा त्याग करती हैं, क्योंकि ये बहुत कठिन व्रत होता है और बिना जल अन्न ग्रहण किए हुए अपने बच्चे के लिए माँ ये व्रत करती हैं। इस व्रत की खासियत ये है, तो एक बार प्रेम से बोलिए जीवित पुत्रिका माता की जय, और प्रेम से आपके मन में जो भी माता के प्रति एक सम्मानीय वाक्य में कहा जाए कि क्या लिखना चाहेंगे तो आ रहा हो वो जरूर लिखिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अब इस वीडियो में जानते हैं हम सभी जीवित पुत्रिका के बारे में। ये जीतिया व्रत कहा जाता है, इस व्रत को जीवित पुत्रिका और जीतिया व्रत के नाम से हम सभी जानते हैं। हमारे पांचांग के अनुसार अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत होता है हर साल। जीतिया व्रत को हमारी माताएं अपनी संतान की उम्र अच्छी हो, रोग न हो, कोई सुखमय जीवन रहे, इसलिए करती हैं। जीतिया व्रत पर भी छठ पूजा की तरह नहाना होता है, खाना होता है, इसकी परंपरा है। छठ पूजा के बारे में खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड के लोगों को अच्छे से पता होता है, क्योंकि वो करते हैं। अब बाहर भी किया जा रहा है, अलग अलग जगह पर, अलग अलग देशों में भी किया जा रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन जीतिया व्रत में भी लगभग उसी प्रकार का नियम होता है। इस साल जीतिया व्रत जो है वो 29 सितंबर को रखा जाएगा, जिसे नौमी तिथि यानी कि अगले दिन पारण किया जाता है। आपको अगर पारण करना है तो 30 को करना होगा। नहाए खाए का इसमें खास विधान होता है। जीवित पुत्रिका व्रत शुरू हो जाता है नहाए खाए के साथ। ये उपवास मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। तो इस साल जीतिया व्रत 28 से लेकर के 30 सितंबर तक मनाया जाएगा। अब सोच रहे होंगे आपके 28 से 30 तक कह के हमने कंफ्यूज क्यों किया, क्योंकि पहले हमने 29 सितंबर को कहा, तो ये कंफ्यूजन भी हम आपकी दूर कर देते हैं। आइए जानते हैं कैसे जीतिया के शुभ मुहूर्त को ही समझ लेते हैं 2021 के लिए। तो जीवित पुत्रिका व्रत को जो आप व्रत रखेंगे वो 29 सितंबर को रखेंगे, 29 सितंबर 2021 को। लेकिन अष्टमी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 28 सितंबर को शाम 6:16 से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें नहाए खाए का एक खास नियम होता है। जीतिया व्रत के पहले यानी कि नहाए खाए को सूर्यास्त के बाद कुछ खाना नहीं होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है, यानी कि 28 सितंबर की संध्या से ही आप खाना त्याग देते हैं। अष्टमी तिथि समाप्त जो होगी वो 29 सितंबर की रात 8:29 पर समाप्त हो जाती है। तो इसीलिए ये व्रत जो है 3 दिन तक चलता है, चूंकि व्रत के लिए सूर्योदय तिथि को लिया जाता है। जब सूर्योदय में वो तिथि होती है तभी लिया जाता है, इसीलिए 29 तारीख को, क्योंकि आपकी अष्टमी जो है 28 को लग रही है लेकिन वो सूर्योदय में नहीं बल्कि सूर्यास्त के समय पे स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए सूर्योदय कब होगा उस तिथि में 29 को, तो 29 को व्रत रखेंगे। हाँ, 28 को नहाए खाए करेंगे, ये खास बात है। 3 दिन तक ये व्रत चलता है, जीतिया व्रत 3 दिनों तक चलता है। पहला दिन नहाए खाए का होता है, दूसरा दिन जीतिया निर्जला व्रत और तीसरे दिन पारण करेंगे आप, यानी कि 28 को नहाए खाए और इसके बाद 29 को आप निर्जला व्रत रहेंगे और उसके अगले दिन 30 को पारण करेंगे। जीवित पुत्रिका व्रत के आप विधि को समझ लीजिए। स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान कराइएगा, धो लीजिएगा, धूप दीप इत्यादि से आरती कीजिएगा और इसके बाद भोग लगाइएगा उनको। इस व्रत में माताएं सप्तमी को खाना और जल ग्रहण करके व्रत की शुरुआत करती हैं और अष्टमी तिथि को पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। नौमी तिथि का व्रत का समापन हो जाता है, नौमी तिथि जैसे आएगी व्रत समाप्त हो जाएगा। और खास बात यह है कि
कोई कितना भी बड़ा हो गया हो उनकी माँ उनके लिए रखते हैं, यानी कि ये बच्चे के लिए भी रखा जाता है, बड़ों के लिए भी रखा जाता है। आप कितने भी बड़े हो गए हों लेकिन आपकी माँ हैं तो वो आपके लिए रखती हैं। तो ये खास बात है कि कई स्थिति में क्या होता है और होता ही है ये कि आप अपने बच्चे के लिए रखी हैं और आपके लिए आपकी माँ ने रखा हुआ है। तो इसीलिए माँ से बड़ा तो इस दुनिया में कोई है नहीं। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि माँ को लेकर के आपके मन में जो भी बात आ रही हो यहाँ पर एक्सप्रेस करने का एक मौका है तो ज़रूर करें, मुझे खुशी होगी। अब जानते हैं जीतिया व्रत का महत्व क्या है। जीवित पुत्रिका व्रत के कई कथाएं जुड़ गई हैं इससे, जिनमें से एक कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए उत्तरा की गर्भ में पल रही संतान को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। उत्तरा के पुत्र का जन्म लेना बहुत जरूरी था। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उस बच्चे को गर्भ में ही दोबारा जीवन दे दिया। गर्भ में मृत्यु को प्राप्त करके फिर से जीवन मिलने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। बाद में ये राजा परीक्षित के नाम से जाना गया, जिसे हम सभी राजा परीक्षित के रूप में पढ़ते हैं वो वही हैं। तो इसीलिए जीवित पुत्रिका व्रत को इतना खास माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि मरे हुए बच्चे को भी आप जिंदा पा सकते हैं इससे। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में जाएंगे तो वहाँ लोग एक कहावत बोलते हैं कि जाओ तुम्हारी माँ ने खर जूतिया किया होगा तभी तुम बच गए। जैसे कि कुछ स्थिति होती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या मेजर बीमारी आ जाती है, मतलब वो बंदा मरते मरते बिल्कुल बचता है, मरने वाला होता है लेकिन बच जाता है, तो उसको कहा जाता है कि तुम्हारी माँ ने खर जूतिया किया होगा। इसका मतलब ये होता है, खर क्यों कहा जाता है, इसमें न जल लिया जाता है और ना ही किसी प्रकार का अन्न और फल फ्रूट कुछ भी नहीं लिया जाता है और निराहार निर्जला व्रत किया जाता है। इतनी सारी तपस्या और इतना त्याग करती हैं माताएं हमारे लिए, तो एक लाइक तो बनता है जरूर उनके लिए। एक लाइक करें, वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, आप अपने सोशल मीडिया साइट्स पर, ताकि सभी को वीडियो मिल सके और सभी इस पावन त्यौहार के महत्व को जानें। और ज़रूर करें इस व्रत को और त्यौहार को, और साथ ही साथ आप सभी ऐसे ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें इसलिए दिल से धन्यवाद। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। फिलहाल विदा लेते हैं इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रेम से बोलें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।